सो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज इस पॉइंट की वेस्ट यूट्यूब चैनल पे। और आज द हिंदू न्यूज़पेपर में काफ़ी कुछ नए और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं। तो सबसे पहले आज के डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले एक नज़र डालते हैं उन सभी आर्टिकल्स पे जिन पे हमें डिस्कशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले उनको देखते हैं। तो उनमें जो आर्टिकल हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि जो पहला आर्टिकल हम चर्चा करेंगे वो है नागा कॉन्फ्लिक्ट, जो कि पिछले महीने भी द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए थे। इसके बाद ये जो 20th अमेंडमेंट जो है श्रीलंका में हो रहा है, 19th अमेंडमेंट के बाद जो 20th अमेंडमेंट जो संशोधन संविधान में वहाँ के श्रीलंका के संविधान में हो रहा है, उस पर बेसिकली आर्टिकल कई बार आ चुके हैं और आज भी आए हैं, तो उस पर हम लोग फुल डिस्कशन करेंगे। थर्ड पॉइंट में हम लोग हाईएस्ट रेनफॉल डाटा जो प्रस्तुत किया गया है कि अगस्त में सबसे अधिक बारिश हुई है, इस पर हम सभी लोग बात करेंगे। और फाइनली बात करेंगे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसमें भारत को सफलता हासिल हुई है, इस पर हम लोग बात करेंगे। फाइनली हम आप सभी को आज द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन को प्रोवाइड करेंगे जिसको आप सभी लिखेंगे और अपनी स्किल राइटिंग स्किल है उसमें डेवलपमेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल को। तो बात करें यदि हम आज के पहले आर्टिकल की, तो वो लिखा है द सर्च फॉर एन एंड टू द कॉम्प्लेक्स नागा कॉन्फ्लिक्ट, यानी जिसमें बात कर की जा रही है नागा एकॉर्ड और नागा कॉन्फ्लिक्ट की। तो जो नागा और इंडियन गवर्नमेंट के बीच जो डिस्प्यूट बना हुआ है, जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, जो विवाद है, उस पर बेसिकली क्या कारण है और ये नागा कॉन्फ्लिक्ट का हिस्ट्री क्या है, उसको हम लोग एक PDFs के माध्यम से या उसके संपूर्ण एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके संपूर्ण एस्पेक्ट को समझना। तो यदि हम बात करें नागा जो विद्रोह होता है उसके इतिहास की, तो इसके इतिहास को हम लोग अंग्रेजों के समय से लेकर अब तक के संपूर्ण एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे आज के इस सेशन के अंतर्गत। सबसे पहला अगर पॉइंट अगर बात करें तो लिखा है कि ना अंग्रेजों के समय क्या था, क्या कंडीशन थी। तो जो नागा जो अंग्रेजों के समय में वर्मा सीमा के साथ पूर्वी हिमालय में नागा पहाड़ियों के निवासी हैं, इन्हीं को हम लोग नागा कहते हैं। नागा कई जनजातियों में विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। 1826 में असम पर अधिकार करने के बाद ब्रिटेन ने 1892 में तक नागा पर्वत पर अपने अधिकार क्षेत्र का लगातार विस्तार किया। उत्तर पूर्व में शेष भारत के साथ अगर बात करें तो आदिवासियों की किसी भी राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक, भौगोलिक, धार्मिक या व्यावसायिक संपर्क की एक आभासी अनुपस्थिति थी। मतलब कि पूरे देश में क्या घटनाएं घट रही हैं इससे उनको कोई भी, मतलब जो भी आदिवासी समूह थे भारत के, उनको किसी भी चीज़ से बहुत ही कमी मतलब था और उसकी जानकारी भी बहुत कम हुआ करती थी। इसलिए भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम है उसका आदिवासियों पर भी बहुत कम प्रभाव पड़ा कि भारत कब आज़ाद हुआ या कब गुलाम था, इन दोनों का इम्पैक्ट उन पर बहुत ही कम देखने को मिलता है। बात करें नागा राष्ट्रवाद की शुरुआत की, तो 1918 में नागा क्लब, इस क्लब ने नागा राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए सामाजिक राजनीतिक आधार प्रदान किया। इसके बाद 1929 में जब साइमन कमीशन का एक ज्ञापन सौंपा जिसमें अनुरोध किया गया कि भारत के बारे में नागाओं को आत्मनिर्णय का विकल्प दिया जाना चाहिए, तो जो साइमन कमीशन था उसमें उसकी तरह एक ज्ञापन सौंपा गया जिसमें ये रिक्वेस्ट किया गया कि भारत में जो नागा से संबंधित जो समुदाय है उसको खुद का सेल्फ डिसीजन का उसको ऑप्शन देना चाहिए। इसके बाद अप्रैल 1945 में नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल काउंसिल को जिले के विभिन्न नागा समूहों के एक मंच के रूप में स्थापित किया गया था। और फरवरी 1946 में से नागा नेशनल काउंसिल यानी कि NNC नामक एक राजनीतिक संगठन के रूप में से पुनर्गठित किया गया था। यानी सबसे पहला जो संगठन बना वो 1946 में NNC नाम से बना, यानी नागा नेशनल काउंसिल नाम से एक संगठन बना। इसके बाद NNC और फिजो चरण जिसमें फिजो की एंट्री होती है 1947 में देश की आज़ादी के साथ ही, तो 1947 से 1975 के समय को हम लोग फिजो चरण के नाम से जानते हैं, यानी कि नागा नेशनल काउंसिल। नागा नेशनल काउंसिल के शुरू में भारतीय संघ और एक अलग निर्वाचन मंडल के भीतर स्वायत्त सत्ता की मांग की, उन्होंने अपनी अलग सत्ता की मांग की। हालांकि बाद में आगामी जाम्पू फिजो के नेतृत्व में इसने एक अलगाववादी दृष्टिकोण अपनाया और एक संप्रभु नागा राज्य के निर्माण के लिए अभियान चलाया। मतलब सबसे पहले जो संप्रभु नागालैंड की डिमांड जो शुरू की गई थी वो फिजो के द्वारा ही की गई थी। उसने कहा एक हमारी खुद सॉवरेंटी खुद की होनी चाहिए और हमारा एक अलग राज्य होना चाहिए, अलग देश होना चाहिए। तो 1950 के दशक के शुरुआती दिनों में फिजो के नेतृत्व में नागालैंड में पहला और सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह शुरू हुआ। इसके बाद 14 अगस्त 1947 को NNC ने स्वतंत्रता की घोषणा की, ठीक पाकिस्तान के जिस दिन स्वतंत्र हुआ, तो उस दिन नागा नेशनल काउंसिल ने भी स्वतंत्रता की घोषणा की। और 1952 के बाद से नेहरू और फिजो के बीच बातचीत जो भी हुई वो विफल रही और हिंसा इंडियन गवर्नमेंट और जो नागा नेशनल काउंसिल है इसके बीच शुरू हो गया। 1956 में फिजो ने नागा संघी सरकार यानी NFG
और नागा संघीय सेना NFA बनाया और एक सशस्त्र विद्रोह शुरू किया, यानी कि इसने पूरा एक संघीय सरकार का गठन किया और एक फोर्स भी क्रिएट किया और सशस्त्र विद्रोह भी करना शुरू कर दिया। इसके बाद 1958 की बात करें, सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम नागा हिल्स जिले के लिए अधिनियम शुरू हुआ और इसके बाद सशस्त्र जो संघर्ष भारतीय गवर्नमेंट और नागाओं के बीच जो हो रहा था वो लगभग 1957 के अन्य नेताओं धर्मपतियों के साथ बातचीत किया और नागालैंड राज्य की मांग को पूरा करने में सफल रहे, तो वे अलग से राज्य मांगने में सफल रहे और इसलिए सशस्त्र जो संघर्ष था उसमें कहीं ना कहीं रुकावट हुई। इसके बाद अनुच्छेद 371E कि यह गारंटी देता है कि प्रचलित नागा कानूनों को सम्मानित किया जाएगा और नागालैंड 1963 में भारतीय संघ के 16वें राज्य के रूप में बनाया गया, जिसके पहले यह असम का ही जिला था। तो आपको 2-3 पॉइंट याद होने चाहिए कि नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ, तो वो हुआ 1963 में और वो चौथा राज्य बना भारत का, 16वां राज्य बना। इसके पहले वो क्या था, तो असम का एक जिला था। बात करें नागालैंड 1963 में भारतीय संघ के 16वें राज्य के रूप में बनाया गया, जिसके पहले असम का एक जिला था, हम सभी जानते हैं। और नागालैंड के गठन के बाद यह अलगाववादी आंदोलन काफ़ी हद तक कम हो गया। नागा नेता पीसीलू आओ इसके मुख्यमंत्री बने नागालैंड के और कई नागा विद्रोही समूहों ने विद्रोह जारी रखा, लेकिन हिंसा काफ़ी पहले से कम हो गई। नागा नेशनल काउंसिल ने फिजो और अन्य नेताओं के बीच विकसित मतभेदों को खारिज कर दिया और शिलांग समझौता 1975 को भारत सरकार और NNC नेतृत्व के बीच हस्तांतरित कर दी। बात करें नागा नेशनल काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी NSCN का गठन जो है जनवरी 1980 में हुआ और यह अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो चिशी स्वर्गीय थुंगालेव मुइबा और SS खाफलांग गोपिंग ने तत्कालीन NNC द्वारा हस्तांतरित शिलांग समझौते से किया था। देखिए दो लोगों ने NNC का गठन किया और इसके बाद यदि हम बात करें तो इन दोनों ने मिलकर बेसिकली NNCN का गठन किया और इसके बाद नागालैंड कई क्षेत्रों में NNCN एक समानता सरकार चलाना चाहता था। इसके बाद इसके कुछ प्रमुख मंत्रालय बने और ये सब बातें आप सभी यहाँ पे रीड कर सकते हो। इसके बाद क्या होता है कि NNCN भी दो भागों में बढ़ जाता है। 1988 में NNCN आगे जाके NNCM IN जो है मुविया और NNCN IN खाफलांग में बढ़ गया। लंदन NNC में फीजो की मृत्यु, आगे विभाजन और कमजोर हो गई और 90 में भारत सरकार के लगातार प्रयासों से NNCN के नेताओं के साथ दो प्रधानमंत्रियों की बैठक भी हुई। इसके बाद युद्ध विराम समझौता 1997 में NNCM IN ने सरकार के साथ युद्ध विराम समझौते पर भी हस्ताक्षर किए और 95 से लेकर कई दौरों में अब तक बातचीत भी चल रही है। वर्तमान की अगर बात करें तो आज मुइबा सबसे वरिष्ठ नागा विद्रोही नेता है और 2016 में इसहाक की मृत्यु हो गई और 2018 में NNCN जो खाफलांग के नेता थे उनका भी निधन हो गया और खाफलांग म्यांमार सेना के विभाजन और कार्यों से कमजोर भी हो गया और NNCM IN जो है उसके पास अनुमानित जो है 45,000 मजबूत कैडर बेस भी है। बात करें नेक्स्ट आस्पेक्ट की तो जो समस्याग्रस्त मुद्दे क्या हैं, विवाद की प्रमुख कारण क्या हैं, तो वही आपको तैयार भी करना है। तो NNCM IN संबंधित मुद्दों पर सहमत होने में विफल रहे कि जो नागालैंड NNCN IN जो है एक अलग झंडा की मांग करता है, एक अलग संविधान की मांग करता है और अपने नवीनतम बयान में ये कहा कि यह ध्वज की मांग और संविधान अजीबों से नहीं हटेगा। इसके अलावा NNCN एक अस्थायी समाधान की तलाश में है और यदि गवर्नमेंट उनकी बात को मानती भी है तो जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी जो सीमाएँ, जब नई सीमाएँ तय होंगी नागालैंड की, तो पड़ोसी जो अन्य राज्य हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, इन सब के टूटने का भय हो जाएगा और देश में एक अत्यंत विश्वव्यापी समस्या क्रिएट हो जाएगी। इसलिए सरकार और नागालैंड के बीच क्रिएट जो डिस्प्यूट है वो लगातार बढ़ रहा है और उस पर लगातार बातें भी चल रही हैं। तो ये रहे नागा कॉन्फ्लिक्ट संबंधित संपूर्ण आस्पेक्ट और उससे संबंधित संपूर्ण इतिहास। देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बेसिकली श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन संबंधित है, श्रीलंका के संविधान संबंधित है, जिसमें 2015 में वहाँ की गवर्नमेंट ने एक 19th अमेंडमेंट किया था, 19वां संशोधन किया था संविधान में, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों को कम किया गया था और संसद की शक्तियों को बढ़ाया गया था और राष्ट्रपति भी अनेक प्रकार की कानूनी कार्यवाही के प्रावधान भी उसमें दिए गए थे। इसके बाद जब 2015 में फिर से पुनः महिंद्र राजपक्षे की सरकार का गठन हुआ, पिछले महीने की बात करें तो उसने 20वें संशोधन करने का निर्णय लिया है। ये संविधान में अब 20वां संशोधन किया जाएगा, जिसमें जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उसको फिर से इंक्रीज किया जाएगा और उस पर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। तो इसमें बेसिकली उस पूरे आर्टिकल की बात की जा रही है। तो रिसेंटली जो गजट ड्राफ्ट 20th अमेंडमेंट इनहेंस श्रीलंका प्रेसिडेंट इम्यूनिटी, तो ये क्या करेगा, इन्हेंस करेगा जो प्रेसिडेंट की जो इम्यूनिटी है उसमें इन्हेंस करेगा। बेसिकली बात की जा रही है कि विन
श्रीलंका गवर्नमेंट रिसेंटली गजेट द ड्राफ्ट 20th अमेंडमेंट एंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट वॉज द मेयरली कीपिंग टू इलेक्शन प्रॉमिस टू रिप्लेस रिफिल द 19th अमेंडमेंट आप 2015। तो ये बेसिकली आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अगर हम बात करें थोड़ी इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट की तो ये कुछ इस प्रकार से हैं। यदि बात करें हम 19वें संविधान संशोधन की तो उसमें लिखा है कि वर्ष 2015 में पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना जो श्रीलंका की थी और प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे थे कि कार्यकाल यानी 2015 से 2019 के दौरान इसे पारित किया गया था। किसको? 19वें संविधान संशोधन को। इसमें न केवल राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश की गई थी बल्कि न्यायपालिका सार्वजनिक सेवा और चुनाव जैसे प्रमुख स्वतंत्र आयोगों को भी मजबूत करने की मांग की गई थी। तो ये बेसिकली 19th अमेंडमेंट की बात की जा रही है। तो इसमें नेक्स्ट आस्पेक्ट की बात करें तो इसमें लिखा है कि इसमें राष्ट्रपति पद के 2 कार्यकाल की सीमा को भी वापस ले लिया गया है कि राष्ट्रपति सिर्फ एक बार ही हो सकते हैं, 2 बार नहीं हो सकते हैं। तथा 19th अमेंडमेंट ने दोहरे नागरिकों को चुनाव लड़ने से भी रोका, दोहरी नागरिकता लेने वालों को चुनाव लड़ने से रोका। उस समय वर्तमान राष्ट्रपति सहित राजपक्षे परिवार के 2 सदस्य क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और श्रीलंका के दोहरा नागरिक थे, इसलिए इस अमेंडमेंट को भी लाने का एक प्रमुख कारण बताया जाता था। इसके उन्मूलन से राजपक्षे की सत्ता पर पकड़ मजबूत होगी क्योंकि देश में ये सब बातें आप रीड कर सकते हैं। बात करें अगर नए संविधान की तो राष्ट्रपति ने एक नए संविधान को लागू करते हुए कहा कि ये सभी लोगों के लिए एक देश तथा एक कानून की अवधारणा की प्राथमिकता भी देगा। तथा यदि बात करें 19वें संविधान संशोधन की तो राष्ट्रपति जो है 19वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को कानून के दायरे में लाया गया था। राष्ट्रपति को किसके कानून के दायरे में भी लाया गया था अगर बात करें इस 19th अमेंडमेंट की। और 20वें अगर संविधान संशोधन की बात करें तो राष्ट्रपति को कानून के दायरे से बाहर रखने की भी तैयारी चल रही है क्योंकि प्रस्तावित जो 20वां संविधान संशोधन है इसमें इस प्रावधान को हटाने के साथ ही राष्ट्रपति को कानून के दायरे से पूरी तरह परे रखने की तैयारी की गई है। तो राष्ट्र जो राष्ट्रपति फिलहाल में है गोटबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री वहाँ के हैं महिंद्रा राजपक्षे। तो बेसिकली 19th अमेंडमेंट को खत्म करने की उन्होंने प्रतिबद्धता भी जताई है। तो ये रहे सभी एस्पेक्ट 19th अमेंडमेंट और 20th अमेंडमेंट। तो देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट एस्पेक्ट की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि अगस्त में रेनफॉल जो है हाईएस्ट हुआ है सिंस 1926 के बाद सबसे अधिक रेनफॉल हुआ है। तो वो हुआ है अगस्त में, इस साल अगस्त में। तो इसमें बेसिकली कुछ एस्पेक्ट लिखे हुए हैं उसको आप रीड कर सकते हैं कि अगस्त रेनफॉल दिस ईयर हैज़ बीन हाईएस्ट सिंस 1926 विथ 32 सेंटीमीटर आर अबाउट 27% मोर देन वाट इज नॉर्मल फॉर द मंथ। जो हर साल हर महीने होता है उससे लगभग 27% अधिक हुआ इस साल बारिश। तो ये जो अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD ऑन अगस्त, उसने कहा कि इन 1926 द रेनफॉल रिकॉर्ड बाय 34.8 सेंटीमीटर एक्सीडिंग द नॉर्मल बाय 33%। तो ऐसी घटना सिर्फ एक बार 1926 में हुई थी, उसके बाद सबसे अधिक रेनफॉल 2020 में अगस्त महीने में देखने को मिली है। तो देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है हाइपरसोनिक क्रूज व्हीकल टेस्ट पुट्स इंडिया इन एलीट क्लब। तो इसमें भारत ने मतलब DRDO ने कहा कि इट विल बी हेल्प डेवलप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। उसने व्हीकल तैयार कर लिया हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए जो कि अपने आप में इंडिया के लिए बेहद ही खुशखबरी है, जिसमें कुछ प्रमुख बातों का उल्लेख लिखा हुआ है कि जो हाइपरसोनिक जो मिसाइल है ये लगभग ध्वनि की आवाज़ से भी लगभग 6 गुना अधिक होगी और ये लगभग 30 किलोमीटर के रेंज को कवर करेगी। तो इसकी सभी एस्पेक्ट को समझने से पहले थोड़ा सा इसकी बेसिक पॉइंट पे कवर नज़र डालते हैं। तो वो कुछ इस प्रकार है कि डिफेंस सेक्टर में भारत को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की साइंटिस्ट ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। सोमवार को ओडिशा के बालासोर में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेट व्हीकल यानी कि HSDTV का सफल टेस्ट पूरा कर लिया गया है। यानी कि जो व्हीकल है हाइपरसोनिक मिसाइल का उसका नाम क्या है, वो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HSDTV का सफल टेस्ट पूरा कर लिया है। और इसके बाद यह भारत जो है दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसके पास ये तकनीक अब तक उपलब्ध है। अब तक यह अमेरिका रूस और चीन के पास ही हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी थी, अब भारत के पास भी ये हो गई है। ये बेसिकली अगर बात करें तो HSDTV को न सिर्फ हाइपरसोनिक और लॉन्ग क्रूज मिसाइल के व्हीकल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा साथ ही साथ बल्कि इसे कई सिविलियन फायदे भी हैं। इसे छोटे सेटेलाइट को भी कम लागत में लॉन्च किया जा सकता है। तो बात करें इसके नेक्स्ट एस्पेक्ट की तो इसमें बेसिकली आपको 2-3 बातें याद रखनी होगी कि जिस व्हीकल का निर्माण किया गया उसका नाम क्या है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HSDTV का डेवलपमेंट किया गया और इसकी स्पीड लगभग जो होगी हवा वायु से भी साउंड से भी 6 टाइम्स मोर होगी। तो ये रहे आज के सभी आर्टिकल। देखते हैं आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन को।
आज का द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन है, गिव अ फुल डिस्कशन ऑन नागा एकॉर्ड। आप सभी नागा एकॉर्ड पे अपना फुल डिस्कशन देंगे अबाउट 100 वर्ड्स में, जिससे आपकी लेखन शैली में विकास होगा। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल द हिंदू संबंधित और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना, एक दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।